लेकिन है कहाँ आपकी छोटी बहू? इसी पल का तो मैं इंतजार कर रही थी। अभी 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 आएगी। बात है? जी निशा, गेंदा को बुला दे। जी मम्मी जी। अम्मा जी, छोटी बहू आते ही आप उसे आशीर्वाद दे दीजिए, उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। वो कहाँ है? अरे आप पीछे क्यों छिपे हैं? आइए आइए छोटे अग्रवाल साहब, आशीर्वाद लीजिए। आयुष्मान भव। समझे? आ गए अम्मा जी। बहुत तो बहुत सुंदर है। अग्रवाल साहब ने खुद पसंद की है। दोनों की जोड़ी भी कितनी प्यारी है। किस्मत वाला है अपना वरुण। अम्मा जी, ये मेरी छोटी बहू गेंदा। वरुण आओ, दोनों मिलकर अम्मा जी के पैर छुओ और आशीर्वाद लो। अम्मा जी इन्हें आशीर्वाद दीजिए कि जल्द शिवम का छोटा भाई भी आ जाए। बड़ों के पैर छूते समय उसे धीरे धीरे दबाना चाहिए ताकि उनकी थकान दूर हो और मन प्रसन्न रहे और फिर उस प्रसन्न मन से आशीर्वाद निकले। सुखी रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, फूटो फलो, तुम दोनों का जीवन खुशियों से भरा रहे, परिवार का मान बढ़ाओ। अब आपकी आज्ञा हो तो मुंह दिखाई की रस्म शुरू करें। मुंह दिखाई छोड़िए मम्मी जी, सीधा खाने पे आते हैं, क्योंकि ड्रामा तो तभी शुरू होगा ना। सुमन, तुम गिंधा के साथ ही रहना और लिख लेना किसने क्या दिया और कितना दिया। तू तो बहुत प्यारी है, चांद का टुकड़ा है। सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो बेटी। अब जल्दी जल्दी छोटे वरुण का भी मुंह दिखाना। हे भगवान, इनकी लाइन तो खत्म ही नहीं हो रही है। कहीं अम्मा जी चली ना जाए बिना कुछ खाए पिए। मुझे ही कुछ करना होगा। ये क्या कर रही हो? करने दीजिए ना अम्मा जी, आपके पैर दबाने का मौका पहली बार मिला है, मना मत कीजिए प्लीज। आप अम्मा जी, आपके भोजन का वक्त हो गया होगा ना, मैं आपके लिए थाली लगा कर लाऊं। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये लो, बच गए बाजी। आज रात हमारा साधु समूह पूरी धाम की यात्रा के लिए निकल रहा है। वहाँ एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होने वाला है। प्रभु की इच्छा से वहाँ भी कुछ कार्य पूर्ण कर दें। अम्मा जी आप, अब मैं विदा चाहूंगी। पापा जी देखे ना, अम्मा जी ने कुछ खाया भी नहीं। अम्मा जी
हमारी छोटी बहू ने आज पहली बार रसोई बनाई है। आप बिना चले जाएंगी तो हमें तो दुख होगा ही, बच्ची को भी दुख होगा। आपका प्रेम और सत्कार भाव देखकर मन गदगद हो गया। आपके आग्रह पर मैं वरवधु को आशीर्वाद देने चली आई, परंतु आप सब जानते ही हैं, पिछले कई वर्षों से मैं बाहर का कुछ नहीं खाती। अम्मा जी, मैं जानती हूँ आप बाहर कुछ नहीं खाती, लेकिन यहाँ आप निश्चिंत रहिए, सारा खाना अलग बर्तन और अलग चूल्हे पर बना है, बिना प्याज और लहसुन के, एकदम सादा और सात्विक। हाँ अम्मा जी, प्लीज मान जाइए ना, आपने मेरी भी पहली रसोई नहीं खाई थी, कम से कम मेरी देवरानी की पहली रसोई तो चखिए। मुझे ऐसा लगेगा जो कमी मेरी शादी में रह गई थी वो पूरी हो गई। अम्मा जी, एक निवाला खा लीजिए। प्लीज आप खाना खा के जाइए ना। जैसे प्रभु की इच्छा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, महालक्ष्मी की कृपा है इस घर पर। कृपा तो है पापा जी, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगी, और ये मेरा वादा है आपसे। जैसे गेंदा के आने के बाद मुझे बेइज्जत करने में आपने 5 मिनट भी नहीं लगाए थे ना, अब देखिएगा तमाशा। अनुराधा, अम्मा जी के भोजन का प्रबंध करो। जी निशा, गेंदा अम्मा जी की थाल ले आओ। जी मम्मी जी, चलो। माँ जी अभी बैठिए। चलो चलो, इससे पहले अम्मा जी का मन बदल जाए उनको थाली परोस कर आते हैं। अरे वाह, तुमने तो थाली पहले से तैयार करके रखी है, चलो। नहीं भाभी, वो ये वरुण की थाली है, इसमें वो प्याज लहसुन वाली सब्जी है ना, इसीलिए मैंने पहले से अलग से रख दी, ताकि गलती से भी किसी और के पास ना चली जाए। ठीक किया ना मैंने? हाँ। अब तक तो तुम सब सही कर रही हो गेंदा रानी, लेकिन अब जो गलत होने वाला है उसे तो भगवान भी सही नहीं कर सकता। भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं, अम्मा जी की थाली रेडी करो। हाँ। चलो चल। ओहो, मैं भी कितनी पागल हूँ, अभी वरुण की थाली छुई थी और अब अम्मा जी की थाली बनाने जा रही थी। मैं ना हाथ धो लेती। हाँ चलिए, गरम है। अब बस मुझे कैसे भी करके ये प्याज लहसुन वाले दमालू अम्मा जी की सात्विक दमालू की कटोरी से बदलने हैं, लेकिन कैसे? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि शिवम के लिए भी खाना लगा लूं, उसको भी भूख लगी होगी ना, लेकिन कोई बात नहीं, पहले अम्मा जी की थाली रेडी करते हैं। अरे रुको गिंदा, मीठा मीठा तो तुमने रखा ही नहीं। फ्रिज में खीर रखिए, जाओ लेकर आओ। मैं तो भूल ही गई थी भाभी, थैंक यू। आ
आज तो अम्मा जी का मुंह नहीं थकेगा तुम्हें आशीर्वाद देते देते। आपका व्यापार कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है अम्मा जी, बहुत अच्छा चल रहा है। अनुराधा, जरा देखो तो देर क्यों हो रही है? हाँ, आ गए। भोजन आ गया। अम्मा जी आओ बेटे। करे अम्मा जी के मुंह में पहलाने वाला लहसुन प्याज वाले दम आलू का ही जाए, तभी तो निकलेगा इस गेंदा का दम। जी अम्मा जी, चक्कर बताइए हमारी छोटी बहू के हाथ में अन्नपूर्णा का वास है या नहीं। अम्मा जी के सबसे पास तो पनीर है, लगता है वो वही चखेंगे। अम्मा जी प्लीज प्लेट घुमाइए ना प्लीज। सब्जी करीब होनी चाहिए। अब सही किया ना अम्मा जी। क्या हुआ अम्मा जी? हमसे कोई गलती हो गई? आपके घर आने की गलती हुई है मुझसे। आपसे गलती? मैं आपका कहा मान, आपके घर पर खाना खाने की गलती हुई है मुझसे। आप लोगों पर भरोसा करने की गलती हो गई मुझसे। क्या गलती हुई है अम्मा जी? क्या अपराध हुआ है हमसे? हम मेरी वर्षों की तपस्या भंग करने का अपराध किया है आपने। अब मैं प्रभु के धाम कैसे जाऊंगी? जिस धार्मिक अनुष्ठान के लिए
मैंने इतने वर्षों तक तपस्या की है, आज इस तामसिक भोजन के मेरे शरीर में जाने से मेरी वर्षों की तपस्या भंग हो गई है। आप लोगों ने मेरा अपमान ही नहीं बल्कि घोर पाप किया है। गलती तो बताइए अम्मा जी, क्या गलती हो गई हमसे? इस भोजन में प्याज और लहसुन है। लहसुन और प्याज? गेंदा, क्या क्या है ये? वो पापा जी, मैं तो दरअसल पापा जी, गेंदा वरुण भैया के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी। शायद उसी के चक्कर में इससे कोई चूक हो गई है। बस करो निशा, तुम्हें इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह से देख रही हूँ मैं तुम उसकी गलतियों पर पर्दा डालती आ रही। अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, वो शायद जल्दी जल्दी में मुझसे कटोरिया इधर से उधर हो गई। इस मुझे माफ कर दीजिए। अब तो मुझे आज्ञा दे ही दीजिए। अम्मा जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अम्मा जी, आप इस तरह नाराज होकर जाएंगी तो मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अम्मा जी, अनजाने में हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए अम्मा जी। मैं वादा करता हूँ आपसे, ये खाना अभी फिकवाता हूँ मैं बाहर। भक्त जनक कोई भी ये खाना नहीं खाएगा, ये वादा है अम्मा जी। ये तुमने ठीक नहीं किया गेंदा। आते ही मेरी मम्मी पापा की इज्जत मिट्टी में मिला दी। गेंदा, ये सब लोग बहुत गुस्से में हैं। चलो यहाँ से। चलो। अम्मा जी, गलती हो गई, मानते हैं। प्रायश्चित का एक मौका दीजिए। इस कलंक को कैसे मिटाए एक बार बता दीजिए अम्मा जी। अम्मा जी, कोई तो उपाय होगा। अम्मा जी, अगर हमसे गलती हुई तो बेशक इसकी सजा दीजिए हमें, लेकिन इतनी दुखी मन से हमारे घर से मत जाइए। हाँ अम्मा जी, गलती मेरी बीवी से हुई है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कुंदन। हाँ अम्मा जी। अनुराधा जी, उठ जाओ, मुझे ध्यान लगाना होगा। घर का मंदिर कहाँ है? आइए, इस दिशा में है मंदिर। आइए। नहीं, मुझे एकांत चाहिए। ये सब्जी भी सादी है, यहाँ तो मैंने प्याज और लहसुन वाली सब्जी रखी थी। कि मुझसे क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? अब रोने से क्या होगा गेंदा, अब तो भगवान ही मालिक है। निशा भाभी, अब क्या होगा? क्या होगा, कैसे होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी होगा ना, बहुत बुरा होगा गेंदा। मैंने बहुत ध्यान रखा था, थालियां दोनों अलग अलग रखी थी, कि कटोरी बदल कैसे गई मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कैसे बदल गई, इसका क्या मतलब है?
तुमसे ही गलती हुई होगी ना कुछ। मनीष भैया बाहर क्या हो रहा है? अम्मा जी पापा पापा बहुत नाराज है, उन्होंने कहा है कि सब खाना बाहर फेंकवा दो। इतना सारा खाना, बहुत सारे लोग हैं मनीष भैया जो ये खाना खा लेंगे। इस तरह से अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। वाह, तुम्हें अन्ना के अपमान की पड़ी है, और जो अपमान मेरे मम्मी पापा का हुआ उसका क्या?